हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी और आज हम डीपीपी नंबर 11 देखने वाले हैं। इस डीपीपी में मैं आपको 10 एमसीक्यू पूछूंगा वो जो कि जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे और ये 10 एमसीक्यू, हर एमसीक्यू के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे और उन 30 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड के लिए आपको ये यहाँ पे क्लॉक दी गई है। तो आइए चलिए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हमारा। सो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन 1 आ रहा है। तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन 1। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ और उसके बाद हम डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज, ऑप्शन ए मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इन ह्यूमन, ऑप्शन बी फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इन ह्यूमन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन, ऑप्शन डी पेंक्रेटिक एंजाइम। सो गाइस आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो गाइस टाइम खत्म होता है आपका यहाँ पे। तो ये देखिए ये क्या होता है ICSH, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए ICSH, सो इसका फुल फॉर्म तो आप यहाँ पे देख सकते हो ICSH का। सो ICSH मीन्स इंटर, इट्स इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये एक हार्मोन है जो के रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में से बिलोंग करता है और ये जो रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में से हार्मोन है तो ऑब्वियसली पेंक्रेटिक हार्मोन तो है नहीं और ना ही ये ग्रोथ हार्मोन है। ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इन ह्यूमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इन ह्यूमन। तो ICSH जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है और मेल रिप्रोडक्टिव में ये हार्मोन होता है स्पेशली टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम सेक्शुअल हेयर्स। तो टेस्टोस्टेरोन के काफ़ी फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बींग के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर। सो इसका आंसर का इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है ए। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, द प्लांट मटेरियल कलेक्टेड ड्राइड एंड स्टिक ऑन अ पेपर शीट एंड डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज, ऑप्शन ए बोटेनिकल शीट, ऑप्शन बी ज्योग्राफिकल शीट, ऑप्शन सी हर्बेरियम शीट एंड ऑप्शन बी नन ऑफ अबव। तो इन चारों में से कौन सी टेक्निक है ये, तो आपका समय शुरू होता है अब। प्लांट मटेरियल कलेक्टेड ड्राइड स्टिक ऑन द पेपर शीट एंड डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज बॉटेनिकल शीट, ज्योग्राफिकल शीट, हर्बेरियम शीट एंड नन ऑफ अबव। कम ऑन गाइस, तो आपका समय खत्म हुआ यहाँ पे। ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका आंसर हो जो हो जाता है वो होता है सी हर्बेरियम शीट। तो हर्बेरियम शीट में क्या करते हैं, मान लो आपके पास ये एक हर्बेरियम शीट है तो इस हर्बेरियम शीट में आप क्या करोगे, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने एक प्लांट मटेरियल को, एक फ्लावर को लिया हुआ है और उसको फ्लावर को आपने ड्राई किया हुआ। तो फ्लावर को ड्राई करने के बाद ये देखिए, ये सपोज आपके पास फ्लावर है तो फ्लावर को ड्राई करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट करोगे उसे, या तो स्टिक करोगे, माउंट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे उस फ्लावर के बारे में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, स्पेशली आप उसका लिखोगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इन द सेंस जैसे ये प्लांट है तो प्लांट का किंगडम कौन सा है, प्लांटी, फिर डिवीजन कौन सा है, सब डिवीजन कौन सा है, क्लास कौन सा है, सब क्लास कौन सा है, फिर सीरीज कौन सी है, फिर उसका फैमिली कौन सी है, जीनस क्या है,
और स्पीसीज क्या है, ये सब डिटेल में आप डिस्क्राइब करोगे, तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं यस हर्बेरियम, हर्बेरियम शिल्ट। ठीक है, सो आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेगस नर्व इन ह्यूमन इज ऑप्शन ए 12th क्रेनियल नर्व, ऑप्शन बी 10th क्रेनियल नर्व, ऑप्शन सी 9th क्रेनियल नर्व, ऑप्शन डी 5th क्रेनियल नर्व। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, एकदम इजी क्वेश्चन ही है। तो यहां पे टाइम खत्म होता है आपका। तो ये देखिए, ये है हमारा पीएनएस। पीएनएस स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के नर्व आते हैं। पहले आते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, और फिर दूसरा आता है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। तो जो क्रेनियल नर्व आते हैं 12 पेयर, उसमें CN10, CN10। अभी CN का मतलब होता है, CN का मतलब होता है गाइस, CN स्टैंड फॉर क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 10। ये जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, ये होती है वेगस नर्व। और वेगस नर्व कहाँ से कहाँ जाती है, ये हमारे ब्रेन से लेके हार्ट तक जाती है। तो इसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 10। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑप्शन बी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर, ऑडिटरी रिसेप्टर कैरी द सेंस ऑफ ऑडियो सिग्नल टू, ऑप्शन ए ऑल्फेक्ट्री लोब, ऑप्शन बी सेरेबिलम, ऑप्शन सी डायनसेफलॉन, ऑप्शन डी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आपके सामने क्वेश्चन है कि ऑडिटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो साउंड को कैरी करते हैं, साउंड सिग्नल को कैरी करते हैं। कहाँ पे कैरी करते हैं, कौन से पार्ट में कैरी करते हैं ब्रेन के, ऑल्फेक्ट्री लोब, सेरेबिलम, डायनसेफलॉन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, फास्ट। ऑडिटरी रिसेप्टर कैरी सेंस ऑफ ऑडियो सिग्नल टू, ऑल्फेक्ट्री लोब, सेरेबिलम, डायनसेफलॉन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो गाइस टाइम खत्म होता है यहाँ पे आपका। तो जो ऑडियो सिग्नल होते हैं वो ब्रेन में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में जाते हैं। तो ये देखिए, ये है कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ये कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वन इज हियरिंग एंड सेकंड वन इज व्हाट, विजन। तो विजन किसके थ्रू होगा, विजन विल बी थ्रू द ऑप्टिक नर्व, और ये हियरिंग किसके थ्रू होगा, थ्रू द ऑडिटरी, ऑडिटरी नर्व। तो ये दो चीजें हैं हमारे सामने, हियरिंग थ्रू ऑप्टिक ऑडिटरी नर्व एंड विजन थ्रू ऑप्टिक नर्व, एंड बोथ आर रिलेटेड टू कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना विच इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाता है डी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिसीज। ठीक है, ये है आगे, ये वायरल डिसीजेस है। तो इनमें से कौन सी वायरल डिसीजेस का पेयर है, ये पूछा गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, इनमें से कौन सा वायरल डिसीज का पेयर है। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें सभी के सभी वायरल डिसीज हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफॉइड, मलेरिया, ऑप्शन बी चिकनगुनिया, लेप्रेसी, गोनोरिया, ऑप्शन सी बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस,
एड्स, ऑप्शन डी टाइफॉइड, रिंगवर्म इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस। चलो आपके सामने जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। तो गाइस इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 30 सेकंड की जगह पर, बिकॉज आपको सब डिसीजेस के नाम याद आने चाहिए। नाम तो हैं डिसीजेस के, लेकिन उनके ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद आने चाहिए। कम ऑन, टाइफॉइड, टीबी, मलेरिया, चिकनगुनिया, लेप्रेसी, गोनोरिया, बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस, एड्स, टाइफॉइड, रिंगवर्म इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस। कम ऑन गाइस, टाइम खत्म हो रहा है आपका, जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये है आपका समय खत्म। तो गाइस मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए, ये जो हमारा ऑप्शन ए है, ए में कौन से डिसीज है? टीबी। तो टीबी किससे होता है? टीबी होता है माइको बैक्टेरियम, ट्यूबरक्यूली से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। और ये जो है ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए पूरा। दूसरा होता है, दूसरी डिसीज है हमारे सामने ए ऑप्शन में, टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो होती है वो होती, कोज होती है सॉरी, तो टाइफॉइड ये जो डिसीज है ये कॉज होती है किससे? ये होती है साल्मोनेला, टाइफी से। और ये साल्मोनेला टाइफी भी क्या है? ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं। और थर्ड है हमारे सामने मलेरिया। तो मलेरिया किससे होती है जनरली? मलेरिया इज जनरली कॉज ड्यू टू द व्हाट? प्लाज्मोडियम, प्लास्मोडियम जीनस के थ्रू होता है, और उसके स्पीसीज काफ़ी होते हैं, जैसे प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम फैल्सिफेरम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 4 स्पीसीज होते हैं इसके जनरली। अब ये क्या है? ये है एक पैरासाइट। तो इसमें देखिए, दो बैक्टीरियल है, एक पैरासाइट है, लेकिन हमें तो वायरल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमारे सामने बी ऑप्शन आ जाता है। तो बी ऑप्शन में सबसे पहला है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है, इट्स अ चिकनगुनिया, इज अ वायरल, मैं आपको बता दूं ये वायरल है। उसके बाद ये जो इसमें है लेप्रेसी, होती है माइको बैक्टेरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से, ओके। और उसके बाद आता है गोनोरिया, तो गोनोरिया जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से होती है, इसे हम कहते हैं नाइजेरिया गोनोरी, ये जो बैक्टीरिया है ये जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज करते हैं, जैसे हम कहते हैं गोनोरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे सामने जो ऑप्शन है थर्ड, में है पहला बर्ड फ्लू। मुझे एग्जैक्टली बर्ड फ्लू के वायरस का नाम याद नहीं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, या तो ये H1N5 है, या तो H5N1 है, या तो H1N5, इनमें से कोई है, और ये वायरस है, ठीक है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस तो 5 वायरस से होता है, जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, और आजकल हेपेटाइटिस ई वायरस कम हो गया है। हेपेटाइटिस ई वायरस से भी किसी को बीमारी नहीं होती। और उसके बाद है हमारे सामने एड्स। तो एड्स हमें पता है ये रेट्रो वायरस से होती है, एड्स इज कॉज ड्यू टू रेट्रो वायरस, ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी,
वायरस, तो ये भी वायरस है। सॉरी, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, और चिकनगुनिया भी वायरस है। तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है सी। तो सी जो है, ये तीनों के तीनों वायरल डिसीज। अगर हम इन इनके अंदर देखें तो ये देखिए, टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल है, हेपेटाइटिस है ये वायरल है, और रिंगवर्म इन्फेक्शन ये तो फंगल है। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरियम नाम के फंगस से ये डिसीज होती है, रिंगवर्म इन्फेक्शन। तो गाइस हमारा आंसर हो जाता है सी। इनमें से कौन सी वायरल डिसीज है? तो बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस, एड्स, ये तीनों वायरल डिसीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिवर इज कवर्ड बाय, ऑप्शन ए ग्लिसन्स कैप्सूल, ऑप्शन बी रिनल कैप्सूल, ऑप्शन सी पीसीटी, ऑप्शन डी मेसोथेलियम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिवर इज कवर्ड बाय, लिवर किस चीज से कवर हुआ है? कम ऑन गाइस, सो योर टाइम टाइम अप नाउ। सो गाइस, लिवर जो होता है ऑर्गन, ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। तो ये लिवर किससे कनेक्ट कवर हुआ आता है? ग्लिसन्स कैप्सूल से। तो इसका आंसर हो जाता है ए, लिवर इज कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 7। पॉलिनेशन फाउंड इन वेलिसनेरिया इज, ऑप्शन ए एनिमोफिली, ऑप्शन बी ऑर्निथोफिली, ऑप्शन सी हाइड्रोफिली, ऑप्शन डी मेलाकोफिली। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, पॉलिनेशन फाउंड इन वेलिसनेरिया प्लांट इज एनिमोफिली, ऑर्निथोफिली, हाइड्रोफिली, मेलाकोफिली। इसका फाइंड आउट करने के लिए आपको वेलिसनेरिया प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, फिर पॉलिनेशन के मतलब ये जो टाइप है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपका समय यहाँ पे ख़त्म होता है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कलर बदल लेता हूँ। सो गाइस ये देखिए, सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन है ए, ए है हमारे सामने एनीमोफिली। एनीमोफिली पोलिनेशन किसके थ्रू होता है? ये विंड के थ्रू होता है, मतलब एयर द्वारा पोलिनेशन होता है। और दूसरा है ऑर्निथोफिली, तो आप ये नोट डाउन कर लेना। ऑर्निथोफिली जो होता है ये बर्ड द्वारा होता है, बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होता है। और फिर सी है हमारे सामने हाइड्रोफिली, तो हाइड्रोफिली पोलिनेशन होता है बाय वाटर। और हमारे सामने डी ऑप्शन है मेलेकोफिली, तो मेलेकोफिली पोलिनेशन होता है बाय स्नेल। यस स्नेल, नॉट अ स्नेक, इट्स स्नेल। सो विंड पोलिनेशन एनिमोफिली, बर्ड पोलिनेशन ऑर्निथोफिली, वाटर पोलिनेशन हाइड्रोफिली, एंड मेलेकोफिली स्नेल पोलिनेशन। तो अभी हम ये देखना है कि वेलिसनेरिया जो प्लांट है वो कौन से पोलिनेशन में जाता है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, वेलिसनेरिया जो प्लांट है वो प्लांट बेसिकली वाटर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाटर का सरफेस है और ये वाटर का अंदर ये पाया जाने वाला ये प्लांट है। तो वेलिसनेरिया प्लांट वाटर के अंदर पाया जाता है, तो उसमें पॉलिनेशन होगी हाइड्रोफिली। तो हमारा आंसर निकल के आता है सी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अमृता देवी फ्रॉम बिश्नोई इस कास्ट वॉज शोन करेज अगेंस्ट, ऑप्शन ए डिफोरेस्टेशन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन। चलो अमृता देवी फ्रॉम बिश्नोई इस कास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
गाइस योर टाइम अपना। तो आपको पता है अमृता देवी कौन थी? अमृता देवी एक लेडी थी राजस्थान से। एक बार क्या हुआ, जोधपुर के एक राजा ने अपने सिपाहियों को ये कमांड दी, उनको आदेश दिया कि आप जंगल में से जाकर लकड़ी काट के आओ और हमें लकड़ी का एक महल बनाना है, हमें एक वुड का पैलेस बनाना है। तो जैसे उनको राजा का आदेश मिला हुआ था तो सिपाही गए और जंगल में से लकड़ी काटने के लिए गए। तो अमृता देवी एक लेडी थी जिन्होंने कहा था कि मैं लकड़ी काटने नहीं दूंगी, अगर आपको लकड़ी को काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। तो अमृता देवी एक पेड़ को गले लग के खड़े रहेगी। फिर जैसे सिपाहियों को आदेश मिला हुआ था राजा से, तो उन्होंने सिपाहियों ने अमृता देवी को मार दिया, कट कर दिया। उसके बाद वो लकड़ी भी कट कर ली उन्होंने। तो अमृता देवी जो लेडी थी वो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट काम करती थी। और उसके बाद आजकल डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना, डिफॉरेस्टेशन आप अगर जंगल के सभी पेड़ों को काटते हो या तो थोड़े पेड़ों को काटते हो, ये डिफॉरेस्टेशन है। तो आज हमारे इंडिया में JFM है, JFM मतलब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट काम करती है। और इन्होंने एक अवार्ड भी अनाउंस किया हुआ है, अमृता देवी वाइल्ड लाइफ बिश्नोइस अवार्ड। ये उन उन लोगों को ये अवार्ड मिलेगा जो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट काम करेंगे। तो एक लेडी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा प्रॉपरली, गढ़वाल सिटी में हिमाचल प्रदेश में, उसको ये अवार्ड भी मिला हुआ है। तो अमृता देवी काफ़ी सल्यूटेबल लेडी थी जिन्होंने पेड़ काटने के अगेंस्ट है ना मुहिम स्टार्ट की हुई थी। तो उस मुहिम को हम कहते हैं चिपको मोमेंट, चिपको मोमेंट, क्योंकि ये पेड़ से चिपक गई थी, इसके लिए वहाँ से ये मोमेंट शुरू हुई थी, इसे हम कहते हैं चिपको मोमेंट। चलो गाइस याद रखा करो ऐसे मतलब वीर लोगों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिए। यस, इन्होंने अपने बॉडी का, अपनी मतलब लाइफ का बलिदान दे दिया सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के कारण। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। विटामिन B9 इज नोन एज, ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी थायामिन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका। विटामिन B9 किसको कहते हैं हम? कम ऑन गाइस, विटामिन B9 किसको कहते हैं हम? सो गाइस आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। गाइस मैं आपको ये जो विटामिन B1, विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक की ये जो फैमिली है, मैं इसके नाम कैसे याद रखने हैं आपको, मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप एक फॉर्मूला याद रखिए, थिया एक लड़की का नाम है, उसे जनरली रानी कहते हैं, थिया रानी, यस थिया रानी, पैन कार्ड पर भी फुल साइन करो। अबे साइन तो एक्चुअली एस से लिखते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सी से लिखा है, उसके पीछे एक मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए थिया, थिया का मतलब होता है थायामिन, और थायामिन को हम कहते हैं विटामिन B1। रा मतलब राइबो फ्लेविन, और राइबो फ्लेविन का मतलब होता है विटामिन B2, और नी का मतलब होता है यस नायासिन, ये होता है नाइसिन, और नाइसिन का मतलब होता है विटामिन B3। ठीक है, और फिर पेन कार्ड, उसमें कार्ड का कोई मतलब नहीं है लेकिन हमें पेन, पेन मतलब पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है पेंटोथेनिक एसिड। तो
तो पेंटोथेनिक एसिड जो होता है वो होता है विटामिन B5, और पर मतलब पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन मतलब विटामिन B6, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B5 पायरोडोक्सिन, B B मतलब B का मतलब होता है बायोटीन, जो हमें हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काम में आता है, विटामिन B7, ठीक है। और फुल फुल मतलब फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9, विटामिन B9। और उसके बाद है साइन करो, तो साइन मतलब सियानो कोबालामाइन, ठीक है, सियानो कोबालामाइन मतलब विटामिन B12। तो थायमिन मतलब विटामिन B1, राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2, नाइसिन मतलब विटामिन B3, पेंटोथेनिक मतलब विटामिन B5, पायरोडोक्सिन मतलब विटामिन B6, बायोटिन मतलब विटामिन B7, फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9, और सियानो कोबालामाइन मतलब विटामिन B12। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, थिया रानी पेन कार्ड पर भी फुल साइन करो, ठीक है। तो इसमें कार्ड और ये करो इसका कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद रखने के लिए हमने ये किया हुआ है। तो देखिए हमारे सामने है फॉलिक एसिड विटामिन B9, तो फॉलिक एसिड हमारा आंसर निकल के आ जाता है फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज बी, फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, ग्लूकोस मेटाबॉलिज्म इन एरोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड थ्री इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे विच प्रोड्यूसेस डैश अमाउंट ऑफ एटीपी। ऑप्शन ए 32 ATP, ऑप्शन बी 34 ATP, ऑप्शन सी 36 ATP, ऑप्शन डी 38 ATP। सो कम ऑन गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ग्लूकोस मेटाबॉलिज्म मतलब जब हम कोई भी चीज खाते हैं, अगर हमें उसमें से ग्लूकोस मिलता है, तो ग्लूकोस को कटिंग होने के बाद उसमें से हमें 38 ATP मिलते हैं, 36 ATP मिलते हैं, 34 ATP मिलते हैं, 32 ATP मिलते हैं, इनमें से कितने ATP मिलते हैं हमें ये पूछा गया है। लेकिन उन ATP को लिए हमें तीन पाथवे लगते हैं, तो टाइम खत्म होता है आपका, मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो ये देखिए ये है हमारे सामने ग्लूकोस मॉलिक्यूल। ग्लूकोस मॉलिक्यूल तीन स्टेप में जाता है, पहली स्टेप होती है तीन स्टेप मतलब तीन पाथवे में, पहली स्टेप होती है ग्लाइकोलिसिस, जिससे हमें 2 ATP मिलते हैं। उसके बाद ये क्रैब साइकिल में एंट्री करता है, जिससे हमें 2 ATP मिलते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, जिसमें हमें 34 ATP मिलते हैं। तो फाइनली हमें एक ग्लूकोस में से 38 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक ग्लूकोस में से 38 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, यस। तो गाइस इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पूरे डिटेल में देख लिए, और ये थी हमारी DPP नंबर 11। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।